स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जन्मभूमि पीठसैढ़ में प्रदेश सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक आवासीय विद्यालय बनाने जा रहा है, जिसकी लागत 4,30,00,000 आंकी गई है। वहीं डॉक्टर धन सिंह ने कहा कि इस आवासीय विद्यालय में 100 गरीब तबके के बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। साथ ही आवासीय विद्यालय के लिए भूमि का चयन भी किया जा चुका है और आवासीय विद्यालय का काम जल्द शुरू करा दिया जाएगा। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। काम ये हो रहा है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जो हमारी धरती है पीठ है, वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे हम एक 100 बच्चों का आवासीय विद्यालय बना रहे हैं, जिसमें 100 गरीब बच्चे पढ़ेंगे और उसी हॉस्टल में वो रहेंगे। इस लगभग 4.5 करोड़ रुपये की लागत से वो बन रहे हैं।